सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने होंडा शाइन 125cc है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं कहीं ना कहीं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसके प्राइस आता क्या है, क्योंकि आपके सामने ही रखा हुआ सब कुछ, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बाइक आपको करीब करीब 75,492 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पर शुरुआती मिल जाती है, लेकिन आप केवल 6,000 रुपये, 6,000 पूरे भी नहीं, केवल 5,999 रुपये दे करके इस बाइक को अपने घर पर लेके जा सकते हो। ये इसका एक नया कलर वेरियंट है जिसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैट फिनिश में तो इसका पूरी बॉडी आती ही है, टैंक वैंक हो गया, इसका सारे बॉडी पार्ट्स हो गए, प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, मडगार्ड हो गया, लेकिन हाँ जो इसमें स्टिकर्स हैं वो थोड़े से गोल्ड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में बनाए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही है। साथ में अगर फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में आपको हैलोजन की हेडलाइट मिल जाएगी। अभी भी यहाँ पर आपको कोई भी डायल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर करीब करीब दो वारंटी मिलते हैं आपको, जिसमें फ्रंट में डिस्क मिल जाती है और रियर में एक में ड्रम मिल जाता है, जो कि हमारे सामने अभी है। जो है प्राइसिंग भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हो 75,492 रुपये, ये नॉन डिस्क वाले वारंट की बात है। यहाँ पर जो अभी आप डिस्क वाला वारंट देख रहे हो, इस बाइक की प्राइस जो अभी आप इस फ्रेम में देख रहे हो, इसकी प्राइस करीब करीब 80,000 रुपये एक्स शोरूम है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये इसका नॉन डिस्क वाला वारंट है। साथ में जो इसका EMI है वो भी आप इतना देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है, जो कि होंडा की एक नई टेक्निक थी, जहाँ पर आपको सेल्फ नहीं दिया जाता है, इंजन के अंदर ही कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है जिससे आप इस बाइक को बिना खच फच की आवाज़ किए भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार इसे हटा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर अच्छे से दे सको। साथ में यहाँ पर आपको ESP की ब्रांडिंग मिल जाती है, जिसका मतलब है एनहांस्ड स्मार्ट पावर, ठीक है। तो ये हो गया। इसी के साथ अगर देखी जाए तो होंडा की जो बैजिंग है वो हमेशा से ही यहाँ पर मिल जाती है। इस बाइक का अगर मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो इस बाइक में जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा लाजवाब आते हैं। मैंने भी इसे करीब करीब 3 लोगों को बैठा करके 90-95 पर गाया हुआ है, और इसमें आपको जो गड्ढे हैं वो कभी भी महसूस नहीं होंगे। जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर रोड नहीं, गड्ढे हुआ करते हैं, और यहाँ पर इसका जब सस्पेंशन इतना अच्छा काम कर गया तो कहीं ना कहीं ये लद्दाख में भी अच्छा काम कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस बाइक को लेकर के सीधा लद्दाख चले जाओ, लद्दाख जाना है तो आप बजाज की CD 100 भी ले सकते हो, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगी। और अगर लद्दाख ही जाना है तो ले सकते हो, ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो सस्पेंशन है वो कहना का मेरा मतलब है कि काफ़ी अच्छे हैं। इसका जो ट्रैवल है सस्पेंशन का फ्रंट का वो भी बहुत अच्छा है, और रियर का अगर सस्पेंशन देखो तो इसमें भी काफ़ी लंबा ट्रैवल है। अब यहाँ पर कैमरे में कितना आपको दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सस्पेंशन की जो स्प्रिंग है, क्वाइल है, वो बहुत ज़्यादा लंबी है। साइलेंसर की बात की जाए तो साइलेंसर में जो आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर है वो अभी भी थोड़ा सा बल्की आता है, धीमे धीमे हर बाइक में जो है ये रिड्यूस हो चुका है, तो इस बाइक में भी बहुत जल्द रिड्यूस हो जाएगा। और जो इसका साइलेंसर की पत्ती है वो भी आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। क्रोम का काम जो है इस बाइक में काफ़ी जगहों पर मिल जाएगा, जैसे कि साइलेंसर पत्ती हो गई, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, और जो इसका वाइजर है वहाँ पर भी आपको क्रोम के पार्ट दे दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की ओर। तो यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा और स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑडोमीटर जो है वो भी आपको एनालॉग वाला ही मिल जाएगा, और आप इसे रीसेट नहीं कर सकते हो, जबकि पुरानी कुछ बाइकों में रीसेट करने का ऑप्शन आता था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बताना, भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।